की तरफ, जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन अदर सीपीएससी, और ये अवार्ड अपने नाम किया है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। बहुत बहुत बधाई कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को, और तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम कोंकण रेलवे का। मनोज सिन्हा जी से हमारा अनुरोध है कि वो ये पुरस्कार प्रदान करें। अगला अवार्ड एक्सलेंस इन इनोवेशन है, जो गया है एनबीसीसी को। अवार्ड जीतने के लिए एनबीसीसी को बहुत बहुत बधाई। मनोज जी, आपसे अनुरोध है कि ये अवार्ड आप प्रदान करें। जबरदस्त कंपटीशन का ये दौर है, और ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां डटी हुई हैं, सेवा प्रदान कर रही हैं तमाम अपने उपभोक्ताओं को। इसी चीज को सम्मानित करते हुए एक जो स्पेशल अवार्ड रखा गया है वो एडिटर्स चॉइस अवार्ड है, और वो अवार्ड अपने नाम किया है बीएसएनएल ने। जीतने के लिए बहुत बधाइयां। बेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस महारत्न का अवार्ड जिस कंपनी ने अपने नाम किया है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। नुमाइंदों से अनुरोध है कि वो लोग कृपया मंच पर आए और अपने इस पुरस्कार को ग्रहण करें। अवार्ड जीतने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को हमारी तरफ से बहुत बधाइयां। अगला अवार्ड है बेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मिनी रत्न, जो अपने नाम किया है IREDA ने। अवार्ड जीतने के लिए IREDA को बहुत बहुत बधाई। सारे ट्रैफिक के बीच में फंस कर इतनी लंबी मीटिंग अटेंड करके हमारे गणमान्य अतिथि यहाँ पहुंचे हैं, और ज्यादा एनर्जी मुझे मंच पर दिख रही है, तालियों में नहीं। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब तालियां बजेंगी तो मंच को गुजा देंगी। अगला अवार्ड एक्सीलेंस इन ग्रीन इनिशिएटिव्स का है, जो सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने नाम किया है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का। अवार्ड जीतने के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को बहुत बहुत बधाइयां। अवार्ड की अगली कैटेगरी है बेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और इस अवार्ड को अपने नाम किया है LIC ने। अवार्ड जीतने के लिए LIC को हमारी तरफ से भी बहुत सारी बधाइयां। बेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नवरत्न इस कैटेगरी में अवार्ड अपने नाम किया है NMDC ने। तालियां। एन
एमडीसी के प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वो कृपया मंच पर आकर अपना ये अवार्ड ग्रहण करें। अगला अवार्ड बेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मिनी रत्न कंपनी बीईएमएल, और बीईएमएल के प्रतिनिधियों से हम अनुरोध करेंगे कि वो अपना अवार्ड मंच पर आकर ग्रहण करें। हमारी तरफ से बीईएमएल को ये अवार्ड जीतने पर ढेरों बधाइयां। फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन बीएफएसआई कैटेगरी में फिर अवार्ड अपने नाम किया है एलआईसी ने, और दूसरा ये अवार्ड है जो एलआईसी अपने नाम कर रही है। हमें उम्मीद है कि आपकी तालियों में कमी नहीं आएगी। बहुत बहुत बधाई एलआईसी को एक बार फिर। एक्सीलेंस इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अवार्ड अपने नाम किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अवार्ड जीतने के लिए बधाइयां। अगला अवार्ड बेस्ट टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के लिए है, और ये अवार्ड जीतने वाली कंपनी है सीईएल सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बार फिर जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे सभी विजेताओं का। नितिन गडकरी जी को भी चूंकि जाना है, लेकिन हम बहुत धन्यवाद करेंगे उनका कि उन्होंने समय निकाला और हमारे साथ वो मौजूद रहे। और अब हम अनुरोध करेंगे पीयूष गोयल जी से कि वो